हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी शाइनी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ स्विफ्ट कोड क्या होता है, स्विफ्ट कोड आपके बैंक का क्या होगा, हमें क्यों जरूरत है एंड आपके बैंक का स्विफ्ट कोड क्या है। सो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव एंड इम्पॉर्टेंट है। मैं कुछ भी आलतू फालतू की बातें नहीं करूंगी, मैं सिर्फ आप लोगों को जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वही इन्फॉर्मेशन मैं शेयर करूंगी। सो इस वीडियो को पूरा देखे। अगर आपका यूट्यूब चैनल मोनिटाइज्ड है या फिर आप YouTube के जरिए पैसा कमाना चाहते हैं तो आप जरूर इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। मैंने बहुत ही सिंपल से भाषा में आप लोगों के साथ जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर करने की कोशिश की है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट करके नीचे बताइए कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या फिर किस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप देखना चाहते हैं। तो मैं हर कमेंट को पढ़ती हूँ, हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो। सबसे पहले जान लेते हैं कि स्विफ्ट कोड हम कंटेंट क्रिएटर्स को क्यों जरूरत होती है। स्विफ्ट कोड को BIC भी कहा जाता है। तो जब आपका यूट्यूब चैनल मोनिटाइज हो जाता है, जब आप यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम के लिए एनेबल हो जाते हैं, इनकम अगर आपका $10 हो गया, उसके बाद गूगल की तरफ से आपको एक मेल रिसीव होगा कि अभी आप अपना जो बैंक अकाउंट डिटेल्स है वो अपडेट कर लीजिए। तो वो जो फॉर्म आपको फिलअप करना है ऑनलाइन, उसमें आपको आपके बैंक अकाउंट के जो डिटेल्स है वो पुट करना पड़ेगा। वहां पर आपसे पूछा जाएगा BIC नंबर या फिर स्विफ्ट कोड, दोनों सेम ही चीजें हैं, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। हर बैंक के हर ब्रांच का डिफरेंट होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आपके ब्रांच का भी एक स्विफ्ट कोड नंबर होगा। ऐसे बहुत सारे ब्रांचेस है जो कि गांव में है, रूरल एरियाज में है, जिनका कोई स्विफ्ट कोड नहीं होता है। आपको सबसे पहले जाना है अपने बैंक पर, अपने ब्रांच का जो बैंक है वहां पर जाइए। फिर आपको मैनेजर से पूछना है कि मुझे स्विफ्ट कोड चाहिए इस ब्रांच का। मैनेजर आपको कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कि क्यों चाहिए, क्या बात है। तो स्विफ्ट कोड जनरली जब इंटरनेशनली आपका पैसा आ रहा है किसी भी दूसरे देश से, तब स्विफ्ट कोड की जरूरत है। तो आप मैनेजर को ऐसे बता सकते हैं कि मेरे अकाउंट में जो पैसा आएगा वो दूसरे देश से है, दूसरे कंट्री से है, मतलब फॉरेन से है। तो उसी टाइम आपको जो है स्विफ्ट कोड डालना पड़ता है। उनको पूछने पर वो स्विफ्ट कोड आपको दे देंगे जो कोड आपको पुट करना है वहां पर। बट ऐसे कई सारे ब्रांचेस है जिनके मैनेजर को स्विफ्ट कोड के बारे में पता ही नहीं होता है। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था। इसका मतलब कि उस ब्रांच का कोई स्विफ्ट कोड है ही नहीं। तो उस वक्त आपको क्या करना है, अपने बैंक मैनेजर को बोलना है कि जो मेन ब्रांच है ना, जैसे SBI का बहुत सारे छोटे छोटे ब्रांचेस होता है, लेकिन जो इंटरनेशनल पेमेंट के लिए जो ब्रांच जिम्मेदार है, जो डील करता है इंटरनेशनल पेमेंट्स, वो एक ही होता है जो कि हेड ब्रांच है। तो उसके लिए आपको अपने मैनेजर को रिक्वेस्ट करना है कि आप प्लीज हेड ब्रांच को एक बार पूछ कर देखिए कि स्विफ्ट कोड क्या है। तो उस दौरान वो हेड ब्रांच से पूछेगा कि एक ऐसा हमारा जो बैंक अकाउंट होल्डर है जिनका इंटरनेशनल एक पेमेंट आएगा, तो वो इंटरनेशनल पेमेंट्स हेड ब्रांच डील करता है, तो हेड ब्रांच से वो जब स्विफ्ट कोड मांगेगा तो आपको वो स्विफ्ट कोड मिल जाएगा। तो इस तरह से आप उन्हें रिक्वेस्ट करके देख सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा होता है कि बैंक मैनेजर बिल्कुल भी आपकी बात ही नहीं सुन रहा और आपको कहा कि चलिए भागिए यहां से, स्विफ्ट कोड ऐसा कुछ होता ही नहीं है, तो उस पर आप इंटरनेट से भी स्विफ्ट कोड का पता कर सकते हैं। आपको गूगल में जाकर टाइप करना है स्विफ्ट कोड फाइंडर। उस टाइम जो पहला लिंक है उस लिंक पर आपको क्लिक करना है और जो पेज आता है, जो इंटरफेस आता है, वहां पर सबसे पहले आपको डालना है अपनी कंट्री। तो मेरा कंट्री इंडिया है, मैंने इंडिया सिलेक्ट किया। उसके बाद डालना है अपना स्टेट। तो मेरा स्टेट है वेस्ट बंगाल। तो ये आपको थोड़ा सा सर्च करके, क्योंकि यहां पर वर्ल्ड के जितने भी कंट्रीज इन ऑल है सब कुछ है, तो थोड़ा टाइम लेकर आपको ध्यान से ये फिल इन करना है। अपना स्टेट फिलअप कीजिए, उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है अपना बैंक, बाद आपको अपना ब्रांच सिलेक्ट करना है। अब आता है इस पर एक प्रॉब्लम, क्योंकि कई सारे ब्रांचेस हैं जो इस पर नहीं है। जैसे छोटे मोटे गांव के जो ब्रांचेस होते हैं वो इस पर नहीं है। तो उन केस में आपको क्या करना है, अपने जो नियरेस्ट प्लेस है या फिर नियरेस्ट जो प्लेस आपको यहां पर दिख रहा है ना, तो उसका ब्रांच आपको सिलेक्ट करना है। जैसे फॉर माय केस, मेरा जो नियरेस्ट ब्रांच है वो है कोलकाता, जो हेड ब्रांच है। तो हमें सिलेक्ट करना था कोलकाता, तो मैंने कोलकाता सिलेक्ट कर लिया। सो ये जनरेट हो गया आपका बैंक का स्विफ्ट कोड, जो ये है, ये मेरे बैंक का स्विफ्ट कोड है। इस तरह से भी आप अपना स्विफ्ट कोड जनरेट कर सकते हैं और यही आपको उस फॉर्म में पुट करना है, तो आपका काम हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरीके का वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। बाय।